प्रकार की कार्रवाई पिछले कई दशक में मैंने नहीं देखी। जी छोड़िए, देखिए आपातकाल में तो मुझे भी पकड़ी थी घर पे, मैं कुछ मिला नहीं उनको, मैं रमेश बख्शी के यहाँ बैठा हुआ था। घर पहुंचा तो मकान मालिक ने कहा खाली करिए, वो किस्सा अलग है। वो आपातकाल की बात अलग थी और बेसिकली इंदिरा गांधी डिक्टेटर नहीं थी, वो डेमोक्रेट थी, जो बाद में उन्होंने सिद्ध भी किया इलेक्शन करवा कर। लोग हैं जो इस समय सत्ता में हैं, ये मूलतः चरित्र इनका मीडिया विरोधी है और ये इस तरह का चरित्र केवल तानाशाही हुकूमतों का ही हो सकता है। प्रजातांत्रिक शासकों का इस तरह का हुकूमत नहीं होता है। अमरीश जी, चुनावों की पूर्व संध्या पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव हो रहे हैं 5, और ये जिसको कहा गया है कि 2024 का वार्म अप मैच है लोकसभा का, उसके पहले वे इतने पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझी जानी चाहिए। ये शुरुआत है, ये बहुत, ये उसी तरह है कि जैसे संसद का विशेष सत्र अचानक से बुलवाया गया था, या नोटबंदी की गई थी, या लॉकडाउन किया गया था। ये लॉकडाउन है, ये मीडिया का लॉकडाउन है। सब बंद कर दिए इन्होंने, जितने न्यूज क्लिक के और तमाम दफ्तर थे सब बंद कर दिए। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है समझने की, वो ये है कि जनता पर इसका क्या असर होगा, इसकी हुकूमत ने चिंता नहीं की है। ये इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि इंडिया अलायंस का जो बढ़ता असर है, उसका जो कॉन्फ्रंटेशन है, उसके बाद कास्ट सेंसस के कारण जो प्रेशर बिल्ड हुआ है, और अब ये मीडिया के खिलाफ जो कार्रवाई है, आप सरकार के या जो लोग हुकूमत में हैं उनके डर को समझ सकते हैं कि कितने डरे हुए हैं ये लोग। और जब डरते हैं, हुकूमत जब डरती है तो वो किसी भी सीमा पर तक जा सकती है। फरवरी 2021 में भी न्यूज क्लिक के ऊपर ईडी की जांच हुई थी और 77 करोड़ रुपए का रेमिटेंस विदेशी कंपनियों के जरिए मिलने की बात कही गई थी। और ये कंपनियां वो हैं जो, जिनमें से एक के जो, एक कुछ कंपनियों के जो मालिक हैं उनके चीन के साथ संबंधों की बात है। सिद्ध नहीं कर पाए फरवरी 2021 और आप अक्टूबर 2023, इस बीच न्यूज लीक काम करता रहा। इस बीच में हमने देखा कि बीबीसी पर जांच बैठा दी गई, हमने देखा कि वायर के खिलाफ कार्रवाई हुई, हमने देखा कि एक बड़े अखबार, हिंदी अखबार की आवाज को कुचल दिया गया।
ईडी के द्वारा, ईडी की जांच हुई, वो जिस तरह से जांच की गई, कितने दिनों तक की गई, किस तरह से की गई, अलग कहानी। ये क्यों किया जा रहा है? ये जिस तरह से कर रहे हैं वो बताता है कि जनता के बीच में इनका समर्थन खत्म हो गया है। हमको इस चीज को जो हो रहा है उसको विशेष सत्र की असफलता, महिला आरक्षण विधेयक की, कास्ट सेंसस को लेकर जो बौखलाहट पैदा हुई है उसकी, उसका मैनिफेस्टेशन क्या कहा अनुराग ठाकुर ने भुवनेश्वर में? उन्होंने कहा कि एजेंसियां अगर कोई शिकायत है इस तरीके तो वो कानून के दायरे में अपनी जांच कर रही है। इसमें जो एक समझे वो ये निकलता है कि गोदी मीडिया जो इतना बड़ा मीडिया है उस वो फेल हो गया सरकार को समर्थन देने में। मतलब सरकार को लगता है कि ये गोदी मीडिया जो है बेवजह पाला गया, इन्होंने उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा जनता पर। ये इसको कहते हैं ना कि हाथी है जिसको बेवजह इतनी इज्जत दी जा रही है, क्योंकि असर तो वैकल्पिक मीडिया का हो रहा है। और इसलिए आप पाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी अपना यूट्यूब चैनल जारी करता है। हम जैसे चैनलों पर, सत्य हिंदी जैसे चैनलों पर आधे गोदी वाले और आधे बिना गोदी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी एक टांग गोदी में और एक टांग बाहर है जनता के बीच में, वो भी पार्टिसिपेट करके प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वो जनता का, वो सरकार का ही पक्ष रखते हैं, सरकार को ही डिफेंड करते हैं। आप देखिएगा कि गोदी मीडिया पर बहस में या वैसे वैकल्पिक मीडिया पर भी, हमारे मीडिया पर भी बहस में कितने लोग इस सवाल को उठाते हैं कि गोदी मीडिया की फंडिंग के सोर्सेस क्या हैं? ये बड़ी बड़ी जो फिल्म सिटी में इमारतें हैं, इतना स्टाफ है, करोड़ों की तनख्वाहें हैं, गाड़ी घोड़े हैं, ये इसका सोर्स क्या है? इसकी आमदनी क्या है? कहां से आती है इसकी आमदनी? न्यूज क्लिक को तो आपने कह दिया कि चीनी फंडिंग है, क्या इनकी फंडिंग सरकार की नहीं है या सरकारी सोर्सेस की नहीं है, या इनको प्रोटेक्शन नहीं है सरकार का? ये क्यों डिफेंड करते हैं गोदी मीडिया सरकार? आप बताइए कि इतने जो लोग हैं जिनके यहाँ छापे पड़े हैं उसमें कौन लोग हैं? उसमें वो जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं फिल्म सिटी के, उसमें कौन कौन पत्रकार है? चिंता की बात है अमरीश जी, वो अलग है। वो मैं हमारी डिबेट के दूसरे हिस्से में उस चिंता की बात पर आऊंगा। मैं अभी तो केवल ये बताना चाहता हूं कि ये इसको आप आसानी से खारिज नहीं कर सकते। और इसको आप एक शुरुआत भी मान सकते हैं, क्योंकि दाव पर जो लगा है, जिन लोगों का दाव पर लगा है वो बहुत बड़ा है, और वो जो दाव पर लगा है उसको ये जो वैकल्पिक मीडिया के कुछ जो लोग हैं
जिन पर कार्रवाई की गई है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ये जो क्रैकडाउन है ये चुन चुन कर होगा। ये आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में कितने लोगों को, और यूपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। और मैं आपको अगर धाराएं बताऊं जो लगाई गई हैं एफआईआर में, तो आप चौंक जाएंगे कि ये पत्रकार धाराएं कैसे लगाई गई है। तो ये बड़ा उर्मिलेश अभिशाप सहित कई पत्रकारों को लंबे समय तक जेल में रखने की साजिश है। एफआईआर नंबर 224/2023, यह मामला 17 अगस्त 2023 153A धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के साथ साथ पीए की कई धाराएं 13, 16, 17, 18, 20 120B के लगाई गई। ये एक किसी ने ट्वीट किया है, मैं इसको अभी इसका कंफर्मेशन नहीं मान रहा हूं, पर मैं मानता हूं कि किसी जिम्मेदार पत्रकार ने किया है तो सोच समझ कर किया होगा। आप समझ सकते हैं कि यूएपीए क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि यूएपीए में जमानत होती है। आपको कप्पन का मामला पता होगा जो उत्तर प्रदेश में उनको रखा गया था, कितने समय तक जेल में रखा गया था। ये जो सरकार का कदम है, इसके बाद ये जो वैकल्पिक मीडिया है इसमें भी भगदड़ मच जाएगी। लोग मना कर लेंगे, अमरीश जी मैं आज तो बिजी हूं, मैं आपके डिबेट में नहीं आ पाऊंगा क्या? ठीक बात कर रहे हैं आप। और आएंगे तो भी क्या कहेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए ये मैं थोड़ा सा वो, चूंकि एक बड़े पीरियड से हम लोग गुजरे हैं, देखा है पिछले 50 सालों 55 सालों की यात्रा को देखा है मीडिया की, तो इसलिए लगता है कि, और मैंने तो खैर गुजरात में भी देखा है हम लोगों के खिलाफ कितने केसेस हुए थे, वहाँ था गुजरात में, छोटी छोटी बात पर केसेस होते थे, छोटी छोटी बात। तो इसलिए ये इसको मैं अपनी चर्चा के दूसरे दौर में आपसे कुछ जो पत्रकारों की मीडिया की जो इसको लेकर भूमिका उसके बारे में बात करूँ।